हेलो एवरीवन, आई एम यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आउट की गई है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या लेने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने NPCL की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको होम पेज पे ही एडवर्टाइजमेंट नंबर NAPS HRM 01 2022 की एक लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी स्टाइपेंड ट्रेनी पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए नरोरा UP बुलंदशहर से आउट की गई है। एंड यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ से डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। 6 जनवरी 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहां पर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं डाउनलोड करके क्या डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर NAPS HRM 01 2022 दिया गया है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी है। एंड पोस्ट देख लेते हैं। नर्स के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। स्टाइपेंड ट्रेनी मैकेनिकल में 19, इलेक्ट्रिकल में 8, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है। जबकि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए भी 1 वैकेंसी है। एंड स्टाइपेंड ट्रेनी फिटर में 16, इलेक्ट्रिशियन में 8, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 वैकेंसी है। जबकि असिस्टेंट ग्रेड में HR में 8 है, असिस्टेंट ग्रेड F&A में 3 है, असिस्टेंट ग्रेड में ही आपके CNMM में 7 है, स्टेनो में 5 वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी यहां पर दी गई हैं। सैलरी लेवल की बात कर लेते हैं। नर्स के लिए 18 से 30 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लेवल यहां पर 7 है। एंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए यहां पर 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। फर्स्ट ईयर में आपको 16,000 दिया जाएगा, 16 सेकेंड ईयर में 18,000 दिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन ग्रेड पे लेवल 6 पर हो जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए एंड ऑपरेशन थिएटर के लिए 18 से 25 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 की सैलरी फार्मासिस्ट में है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर दी गई है। एंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग में यहाँ पर 18 से 24 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन में फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग में 10,500 दिए जाएंगे, सेकंड में 12,500, उसके बाद आपका सिलेक्शन सैलरी लेवल 3 पर हो जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड HR में, F&A में, CNMM में, स्टोनो में 18 से 21 से 28 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी। एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगा। इसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं इसमें। तो PWD कैंडिडेट की क्या सुटेबिलिटी है डिसेबल्ड की, वो यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। नर्स के लिए यहाँ पर आपके पास 10+2 के साथ में डिप्लोमा इन GNM में होना चाहिए या BSc नर्सिंग है। इसके अलावा आपके पास नर्सिंग में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या आपके पास नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एवं आर्म्ड फोर्सेस से ही तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड फार्मासिस्ट के लिए 10+2 के बाद आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, साथ ही 3 मंथ्स की ट्रेनिंग फार्मेसी में। एंड इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी स्टेट या सेंट्रल काउंसिल में होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में होना चाहिए। टेक्नीशियन स्टाइपेंड ट्रेनिंग में यहाँ पर आपके पास अगर 10+ के बाद ITI है, ITI इलेक्ट्रिकल फिटर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड HR में, F&A में, CNMM में आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट में सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, स्टेनो टाइपिंग स्टेनो स्पीड एंड टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है कंप्यूटर पर। इतना सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन में असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट
में यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेस पर सिलेक्शन होगा, जबकि स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए रिटन एग्जामिनेशन के साथ में पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं दी गई है, तो 13 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना, इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करना, आपको उस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर जाना, आपको क्लोज करना होगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, कौन सा फॉर्म आप यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, स्टेनो मान लीजिए स्टेनो का भर रहे हैं आप, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ, डिसिप्लिन क्या है, स्टेनो है, कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेलेक्शन, इस तरह से आप पूरी फॉर्म को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद आप लॉग इन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट कर सकते हैं। लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उसको इसकी जरूरत है, उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।